कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीजन अत्तापुर के जलाल बाबा नगर के मुख्तलिफ इलाकों का किया पैदल दौरा। रुकने असेंबली ने जलाल बाबा नगर में तरक्याती कामों का लिया जायजा। मुकामी अवाम ने सेवरेज लाइन ना होने से हो रही परेशानियों से रुकने असेंबली को वाकिफ करवाया था, जिस पर रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने सेवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ तफसीली पैदल दौरा किया और सेवरेज लाइन के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेने ओहदेदारों को दी हिदायत, जिस पर ओहदेदारों ने रुकने असेंबली को दिया तयकुन। और भी दिगर मसाइल को हल कर लेने का रुकने असेंबली ने अवाम को दिया तयकुन। इस मौके पर रुकने असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी के अमरा सेवरेज बोर्ड के ओहदेदारों सरगर्म मजलिस के कारकुनों के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। सीवरेज के काम यहाँ पर जारी शुरू हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इस साहब सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट ने यहाँ के सीवरेज के कामों की मंजूरी कराई थी। काफ़ी अर्सा हुआ, उसमें मंजूर भी, टेंडर भी हुआ, एजेंसी अलाटमेंट भी हुआ। यहाँ के कुछ गलियाँ बचे हुए थे तो ये यहाँ के लोगों को तकलीफ थी, लोगों बताए यहाँ काम का आगाज़ भी हुआ। ये एक नई मस्जिद यहाँ पर तामीर हुई, वो मस्जिद की गली में भी ड्रेनेज मंजूर है, लेकिन आउटलेट उसका जो हिस्सा है वहाँ पर नाजायज़ कब्जे हो गए। रमज़ान के बाद कमिश्नर बल्दिया को ला के यहाँ पर मुआयना करा के सेप्टिक टैंक है और ये ड्रेनेज की मेन लाइन जाने के रास्ते में जो कब्जे कर लिए पूरे कब्जों को बर्खास्त करेंगे। बल्दिया का स्टाफ आगे डिमोलिशन करेगा, क्योंकि 30-40 घरों को जो ड्रेनेज जाती है वो रास्ते पे नाजायज़ कब्जे है, तो 30-40 घरों के वास्ते 3 अफराद को कब्जे करने नहीं देंगे। उनका नुकसान होता है तो होने दीजिए, क्योंकि नक्शों में बताया गया कि वो रास्ता है उस पर कब्जा कर लिया, उनके कब्जों को बर्खास्त करके वो मस्जिद की गली में भी ड्रेनेज की लेंट डालेंगे, क्योंकि कई लोगों को वहाँ पर बेशुमार तकलीफ है। यहाँ के लोगों की ख्वाहिश भी है कि वहाँ की ड्रेनेज लेंट का काम फौरी कम्प्लीट करना चाहिए। उस गली में ड्रेनेज लेंट मंजूर है और वही रास्ते से ड्रेनेज लेंट को आउटलेट मिला जहाँ पर रास्ता था, बाद में रास्तों पर कब्जे कर लिए। वो कब्जों को बर्खास्त करना बेहद ज़रूरी है, वो कब्जे बर्खास्त करके वहाँ करेंगे। और भी इस इलाके के जो बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल है उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सवी करेंगे और उनको हल करते जाएंगे। और ये सीवरेज के इंजीनियर्स प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स भी है, हमको तवक्को है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम की तकमील करके यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे।